पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक निखिल पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को महाप्रबंधक सभाकक्ष में प्रबंध विभाग के कंप्यूटर पर वॉइस टाइपिंग पर कार्यशाला एवं राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक निखिल पांडे ने कहा कि आज सूचना तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में कंप्यूटर पर हिंदी में आसानी से कार्य किया जा सकता है। आज की कार्यशाला के माध्यम से हम अपने कार्य आसानी से कर सकते हैं। कार्यशाला में दी जा रही जानकारी सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर रेलवे के प्रबंधकीय कार्यों का दायित्व है, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे निचले कर्मचारियों को भी जो निर्देश दिए जाएं वह उनको पूरी तरह समझ में आए। हमारा संपूर्ण कार्य हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है, यहाँ हिंदी में कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि हम सभी को चाहिए कि नोटिंग एवं पत्राचार का ड्राफ्ट तैयार करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि हिंदी के सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग किया जाए। कार्यशाला में उप महाप्रबंधक सामान आनंद ऋषि श्रीवास्तव ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि प्रबंध विभाग में राजभाषा प्रयोग की स्थिति बहुत अच्छी है। मेरे पास आने वाले फाइलों में दी जाने वाली टिप्पणियों या पत्राचार हिंदी में देखने को मिल रहा है, तथा मेरा भी प्रयास रहता है कि उस पर हिंदी में ही आदेश किया जाए। बैठक में प्रबंध विभाग के अन्य कर्मचारी एवं अधिकारियों ने सुझाव मांगे गए। श्याम बाबू शर्मा, वरिष्ठ अनुवादक, राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर पर वॉइस टाइपिंग पर कार्यशाला में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। बैठक का संचालन अफजाल अहमद खान, सहायक सचिव गोपनीय ने किया।